फिजिक्स पेपर वाज अ क्वार्टी जी, कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन बच्चों का पेपर ठीक नहीं गया है वो अब पीछे के बारे में ना सोचे, अब जो आगे पेपर जो आने वाला पेपर है केमिस्ट्री के बारे में सोचे, उनको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या उनको तैयार नहीं है वो पढ़ना है। तो जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है मैं केवल उनको बोल रहा हूँ, हो चुका तो हो चुका, अब तुम आगे के बारे में सोचो। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग भी चैनल पर नए आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो के रिलेटेड में लाता हूँ तो इसमें आपका बहुत फ़ायदा है। मैं इधर उधर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बटोर कर लाता हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए ये सब काम करने में। तो खैर आज हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रल ऑक्साइड व्हिच कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। वाटर इज द न्यूट्रल ऑक्साइड। सॉल्यूशन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड क्वेश्चन, प्रोसेस बाय व्हिच थिन कोटिंग ऑफ जिंक इज मेड ओवर सरफेस ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन, ड्राइंग एजेंट फॉर अमोनिया। क्विक लाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो इसमें आप या तो क्विक लाइम लिखिए या तो कैल्शियम ऑक्साइड है, दोनों सही होगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन, गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट, मैग्नीशियम नाइट्राइड इज वार्म्ड विद वाटर। तो इसका बैलेंस इक्वेशन होगा Mg3N2 plus 6H2O gives 3MgOH whole thrice plus 2NH3. Second part, sulfur react with conch nitric acid. तो इसका balance equation बनेगा sulfur plus 6HNO3, conch लिखना जरूरी है, gives H2SO4 plus 6NO2 plus 2H2O. Third question, iron pyrite is roasted. फोर, Fe(H2) plus 11O2 gives to Fe2O3 plus 8SO2. फोर्थ क्वेश्चन, अमोनिया इज मिक्सड विद प्योर ऑक्सीजन। बैलेंस क्वेश्चन बनेगा इसका 4NH3 plus 2O2 gives to N2 plus 6H2O. फिफ्थ बैलेंस क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू हाइड्रोजन सल्फाइड सोल्यूशन। The answer is 2H2S plus SO2 gives 2H2O plus 3S. Now write your observation. This is the third question. First part, sulfur dioxide is passed through hydrogen sulfide solution. Now the answer is yellow color particles are seen suspended in a clear solution and these particles do not settle down. That is the solution of a colloidal sulfur is formed. Barium chloride solution is mixed with sodium sulfate. What precipitate is formed which is insoluble in all the mineral acids? Third question, conch sulfuric acid is added to sugar crystals. Now the answer is, first the sugar turns brown, then it swells to give steam and finally gets carried. Now the fourth question is, ammonium hydroxide is added to zinc nitrate, first a little and then in excess. Now the answer is, on adding a little ammonium hydroxide, white precipitate is formed which dissolves in excess of ammonium hydroxide to give a clear solution. Fifth question, gold is placed in aquaregia. Now the answer is, gold dissolves in aquaregia. Sixth question, silver nitrate is mixed with sodium chloride solution. Now the answer is, white precipitate of silver chloride appears which is soluble in excess of ammonium hydroxide. Last question, sulfur dioxide is passed through lime water. Very simple, lime water will turn milky. Fourth question, name the following most reactive halogen, least reactive
हैलोजन एंड मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, इन तीनों का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है। लेट मी नो वेदर यू नो दिस आंसर, अगर आपको आता है तो कमेंट में लिख देना, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज डिफाइन पीरियड एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये तो सबको पता ही है, मैं क्यों बताऊँ, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन, फर्स्ट इनर्ट गैसेस हैव जीरो वैलेंसी बिकॉज दे हैव अ कम्प्लीट ऑक्टेट डेट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, सो दे नाइदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस दे हैव जीरो वैलेंसी। सेकेंड क्वेश्चन, कॉमन सल्ट बिकम वेट ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज इट कंटेन्स द इम्प्योरिटीज ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड व्हिच इज हाईली डेलिकेशेंट। लास्ट क्वेश्चन, आयरन थर्ड क्लोराइड इज स्टोर्ड इन अ एयर टाइट बॉटल व्हाई और गिव रीजन बिकॉज इट इज हाईली डेलिकेशेंट सो दे आर केप्ट इन एयर टाइट बॉटल।